हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। अब थोड़ा मुख्य बिंदु पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्यवसायिक पेशकशें कंपनी की पेशकशों में खुदरा ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पाद वितरण, संस्थागत ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड निवेश, गैर बैंकिंग वित्त, कमोडिटी ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां और रियल एस्टेट गतिविधियां शामिल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है और व्यावसायिक बैंकिंग गतिविधियां से भी। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कंपनी अपने स्वयं के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGSL ट्रेड का मालिक है और उसका संचालन करती है, जो खुदरा व्यापार और निवेश के लिए स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। तो स्मार्टफोन पर भी खुदरा व्यापार किया जा सकता है, वो ये बता रहा है। वित्त वर्ष 2011 में खंडवार राजस्व विभाजन, तो 2011 का विभाजन किए हुए है, ये बहुत पुराना है। जैसे कि ब्रोकिंग का राजस्व में इक्विटी कमोडिटी 55% हिस्सा था, इसके बाद वित्त गतिविधियाँ 30% और अन्य 15% से। तो इस तरीके से इसको 2011 में इनकम होता था। तो न्यू अभी है नहीं, न्यू रहता तो थोड़ा उसको ध्यान में लाते। आगे चलते हैं दोस्तों इसके मुख्य डाटा पर, तो इस प्रकार है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उससे पहले दोस्तों एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। मेरा कोई भी सलाह नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड मार्केट कैप 192 करोड़ का है। करंट प्राइस 2 रुपया 30 पैसा, 2 रुपया 30 पैसा और 2 रुपया 35 पैसा ऐसे ही आज के दिन में ट्रेड किया है। हाई लो 3 रुपया 25 पैसा और 1 रुपया 45 पैसा, ये 52 वीक का बताता है। स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग यानी कि तो 24.6, बुक वैल्यू 2 रुपया 49 पैसा, तो बुक वैल्यू से कम रुपये पर ट्रेड कर रही है शेयर। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। ROC 6.13% और ROE 4.54%, तो मेरे हिसाब से तो ROE ठीक ही है। फेस वैल्यू 1 रुपया है और इंटरप्राइजेज वैल्यू 91.08 करोड़ का है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक साल का चार्ट इस प्रकार है कि अभी न्यूज के अनुसार हो सकता है कि ये ट्रेड अप ट्रेंड बने कुछ समय के लिए, नहीं तो ये कंसोलिडेट कर सकता है। आगे आप लोग अपने बुद्धि विवेक से ही सोचें समझें और इन्वेस्टमेंट करें। प्रोज इसमें 3 है, जो कि ये अभी बुक वैल्यू से 0.93 times नीचे पर ट्रेड कर रही है, मतलब इतना पर ट्रेड कर रही है, उतना नीचे नहीं है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, यानी कि अच्छा क्वार्टर आने की उम्मीद है, जो कि कंपनी उम्मीद लगाई रखी है। और डेब्टर डेज जो है इम्प्रूव हुआ है 42.7 दिन से 27.8 दिन, तो और कौनस भी 3 है। प्रमोटर होल्डिंग जो कि 26.4% है और डिविडेंड पे नहीं कर रही है, और तीसरा नंबर 6.1
1% ओवर लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी पर, यानी कि लो रिटर्न दिया है। पीयर कंपैरिजन, यानी कि या तो इस कंपनी के, पीयर कंपैरिजन का मतलब होता है इस कंपनी के लेवल के अनुसार, अन्यथा इससे कम पर ये कंपनी है, मतलब किस किस कंपनी के लेवल के अनुसार या किस किस कंपनी से कम पर, तो इस प्रकार ही है बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर्म, जियो फाइनेंशियल, ओला मैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, SBI कार्ड, श्रीराम फाइनेंस, इस तरीके से 156 कंपनी है टोटल। क्वार्टरली रिजल्ट, तो जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट 16 करोड़ 70 लाख का सेल्स किया था, 15 करोड़ 31 लाख का एक्सपेंस किया था, अदर इनकम इसके पास 66 लाख का हुआ था, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 73 लाख का हुआ और EPS 1 पैसे। तो रिजल्ट ये प्लस में ही दे रही है, पिछले लगभग 12 क्वार्टर से, और लास्ट 12 मंथ का रिजल्ट 57.36 करोड़ का सेल्स किया था और 46 करोड़ 14 लाख का एक्सपेंस, और अदर इनकम 2 करोड़ 31 लाख का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 80 लाख हुआ और EPS 10 पैसा। तो ईयरली बेसिस पर भी देखा जाए तो ये कंपनी ठीक ही है। अब बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व इसके पास 124 करोड़ का है, 124.76 करोड़, और शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है, बोरोइंग मात्र 32 करोड़ 48 लाख का है। टोटल एसेट इसका बढ़ करके हो चुका है 277.26 करोड़ का, कैश फ्लो प्लस में है 66 लाख का, अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि ऊपर में भी बता चुका हूँ, प्रमोटर के पास में 26.40% ही है, FIs के पास में कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास में 73.60% है, तो काफ़ी छोटे शेयर प्राइस है, इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी छोटा है, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। और इसमें एक न्यूज है 4 घंटा पहले का, जो कि इस प्रकार है, इसमें एक यही न्यूज है, टू कंसीडर एंड अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर कांजी बीरिता एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विथ इफेक्टेड फ्रॉम 13 अगस्त 2024, जो कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड समरी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ 28th एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25th सितंबर 2023, एनुअल जनरल मीटिंग 25 सितंबर 2023, जो कि आज जो हुआ है, उसमें सिंपल सा एक यही न्यूज आया था मेरे हिसाब से, और भी है बहुत पॉइंट, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं वैसा।